Welcome to the 14th season of Indian Idol! एक बात समझ में नहीं आ रही यार, गृह प्रवेश हो रहा और हमारे टैलेंटेड सिंगर्स से मिलने मेहमान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए अब यहाँ पर बहुत ही कुछ खास मेहमान आने वाले हो, लेकिन उससे पहले मेरे अंदर भी थोड़े थोड़े से शानुदा जाग रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये बताइए, म्यूजिशियंस का सुपर हीरो कौन है? दादा, आपका स्पाइडरमैन है, इनका शक्तिमान है, मेरा हनुमान है। वाह! अरे तो फिर म्यूजिशियंस के जो सुपर हीरोज है वो सलीम सुलेमान है। मुस्कान, तुम्हारी आवाज की जो झनकार है ना, पूरे विश्व में गूंज रही है। मैं जहां भी गई मुस्कान की आवाज की बात हो रही है। थैंक यू। प्लेबैक क्वालिटी जो है ना, वो है तुम्हारी आवाज में, और लता जी की आवाज का तो जादू ही कुछ और है। बट तुमने इतना मुश्किल गाना इतनी अच्छे से निभाना बहुत मुश्किल काम है मुस्कान। सुपर डुपर डुपर फैबुलस। Thank you very much for another lovely, lovely performance. Thank you.
चानुदा, आप सबसे पहली पूछते एक छोटी सी पहेली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो पूछो। बैंगन भरता है? भरता। पानी से ग्लास भरता है? भरता। भरता है। पापों का घड़ा भरता है? या ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज है जो कभी भरता ही नहीं? मेरा दिल। आपके पहेलियों से वो तो है, इनका दिल नहीं भरता, लेकिन वो जो कभी नहीं भरता है वो है हमारी अगली सिंगर अंजना पद्मनाभन का मन। एक बार इंडियन आइडल जूनियर जीतने के बाद ये दोबारा इंडियन आइडल जीतने आ गई है। गाने में बोल था नागिना, आप एक नागिना ही हो यार। माल प्रेजेंटिंग जिन्हें बनना है दूसरी बार इंडियन आइडल का हकदार, मुंबई महाराष्ट्र से अंजना पद्मनाभन। भन 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 तो मैं अपने घर में लेके आई हूँ मेरे नानी को। दिस इज माई नानू ताता पाटी एंड दिस इज अप्पा माई डैड, दिस इज मामा अम्मा एंड दिस इज माई मामा। हाउ स्वीट। मुझे एक बात बताइए, अंजना तो हमने जब देखा था वो बहुत छोटी सी थी, बट इसके बाद 10 साल बीत गए, अंजना बदली है कुछ या वैसी की वैसी है? एक चीज मैं बोलूँ एज अ मदर ना, वो वैसे ही है। एक मैं बहुत डांट पड़ती हूँ क्योंकि खाने में मेरे को बहुत दिमाग खाती है। मतलब वो अभी भी आलू है फर्स्ट प्रेफरेंस, बाकी सब्जी को कोई प्रेफरेंस ही नहीं है। शी इज लाइक मी, इट्स ओके। कोई बात नहीं आंटी, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे क्योंकि इंडियन आइडल का रूल है कि जब वो खाना देते हैं उसमें आलू की सब्जी नहीं होती। आलू नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच। आज हमारी अंजना उसी प्लेटफॉर्म में आई है जहाँ से उसकी म्यूजिकल जर्नी शुरू हुई थी। तो हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द शो बैक देन, एंड उसकी घर वापसी जो हो रही है, उसका घराना जो वो कह रही है वो सही माने में है, एंड आप लोग को यहाँ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। Anjana is not an ordinary type of girl. She is very smart, intelligent and talented girl. We are very fortunate to have a affectionate granddaughter. Your affection for Anjana is visible. Please, while you bless Anjana, please do bless Indian Idol as well. We are very happy to have all of you. Enjoy the show. Enjoy Anjana's lovely performance. Thank you once again.
इस वक्त सलीम सुलेमान और मैं डिस्कस कर रहे थे कि अंजना की वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए कितनी सूटेबल है और कितनी खास एंड यूनिक टोन, जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स अ मेल सॉन्ग और इसमें जो एडिशंस किए हैं आपने, इट्स इनक्रेडिबल। मुकाबला शुरू नहीं हुआ तो मुकाबला खत्म कर दिया तुमने। मुझे ऐसा लगता है आज के डेट पे जितने आजकल के यू नो यंगस्टर्स हैं जो जो गा रहे हैं, कोई अगर ग्लोबल आइकॉन बन सकता है वो है अंजना। शी इज दैट। थैंक यू सो मच फॉर किसी अमेजिंग ग्लोबल आइकॉन से एक आपकी तारीफ एज अ ग्लोबल आइकॉन सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब दादा, दादा एक बात मैं भी बताना चाहूंगा। देखिए दादा, सलीम सुलेमान के म्यूजिक का कोई मुकाबला नहीं है। बेशक इनके गाने का कोई मुकाबला नहीं है, विशाल डडलानी की आवाज का कोई मुकाबला नहीं है, और श्रेया तो कौन ही मुकाबला करेगा, कोई नहीं करने वाला। लेकिन जब यहाँ पर हमारे पास सलीम सुलेमान है, विशाल है, उनका एक बहुत ही प्यारा गाना है कुर्बान हुआ, तेरी तिश्नगी में यूं कुर्बान हुआ, तेरी आशिकी में यूं बेखुदी में बेदली में बेकसी में हुआ, इश्क़ है दुआ दी और जदा दी और फना हुआ, कुर्बान जजेस, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि गृह प्रवेश है और मैं आपके लिए गिफ्ट ना लाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये है आपका गिफ्ट। देखिए हमारे सबसे जो जूनियर जज है, दादा जूनियर श्रेष्ठ,
मैं सोच रहा हूँ दादा आप ही इस गिफ्ट पे से पर्दा उठाइए. आह तोहफा 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 पहली शक था मेरे को ये एंकर वैंकर कुछ है नहीं ये पहले घंटी बजा के सोन पापड़ी बेचते थे. मेरे को पता चल गया पर जोर से घंटी का घ बजना चाहिए. गायत्री कभी पेटने में सुनो क्या किंगिनी है किंगिनी वो जो आवाज है ना किंगिनी ये हमारी जो किंगड़ी है यानी कि गुप्लेश्वरी देवी उर्फ श्रेया की सबसे बड़ी भक्त. तो प्रेजेंटिंग म्यूजिक की मास महारानी कोचिन केरला से गायत्री राजीव. आप श्रेया मैम की बहुत बड़ी फैन हो ना. आई रियली लव हर एंड आई हैव स्टक ऑल द फोटोज मेरे घर पे वॉल पे एक पूरा वॉल मैम का फोटोज है. मैं ऐसा डेमो भी करता है उनका वो जो मेरे डोलना में मैम ने एक लाइव पे ऐसा गा रही थी. यस मैं आपको बता दूं ये 5 टाइम नेशनल अवार्ड विनर जगत प्रसिद्ध गुप्लू जो है वो थोड़ी सी क्रैकपॉट भी है तो आप उनकी गायकी पे जाइए उनके पोज मत. क्या मतलब क्या इरादे क्या है आपके मुझे बुला तो लिया कौन सा गाना क्या. एक तो ये जो फुल भरतनाट्यम हाँ टेल मी बरसोरे मेगा मेरे बहुत फेवरेट सॉन्ग है आप मेरे साथ. ओ वाव थैंक यू. ऑफ कोर्स गाने का नाम भर आया so much Shreya for that wonderful wonderful performance. और एक बार साथ में दोनों पोज कर ले एकदम जल्दी से. ये वाला कौन सा था जो आपने बताया ये? हाँ जी बताइए हमारा बॉयफ्रेंड कैसा हो. हमारा बॉयफ्रेंड कैसा हो. हुसैन आपने इतनी शिद्दत से ये जो आपने नारा लगाया हाँ. हमारी दुआ आपके लिए ये है कि आपका बॉयफ्रेंड जरूर दीपन जैसा. हुसैन हुसैन पता नहीं इसमें ये दुआ दिए कि बददुआ दिए पता नहीं चल रहा है. लेकिन ये मैं नहीं दादा देश भर की लड़कियां कह रही है क्योंकि ये जो भाई साहब है इन्होंने बॉयफ्रेंड का बार इतना ऊंचा कर दिया सारे बॉयफ्रेंड भी इससे परेशान है. एक्चुअली सर मेरे गर्लफ्रेंड जो है वो मुझे मोटा नाम से पुकारते हैं. वो जैसा आपको मोटा बुलाती है आप उसको क्या बुलाते हो. पिकुली. बहुत ही पिकुलियर नेम है. आज से तुम्हारा नाम है दिलबर दीपन. प्रेजेंटिंग पिकुली का पुजारी आशिक आज्ञाकारी कोलकाता वेस्ट बंगाल से दीपन मित्रा. सुनो जॉय पिकुली बोल के शुरू हो जाओ. Thank you.
और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज शाम का मैं एक बेहतरीन गाना गाने वाला हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात। आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम है, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे का उठा मौसम है, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। ना चुकी है सिंध कहानी ओ मेरी जान, ना चुकी है सिंध कहानी ओ मेरी जान। चम 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 अरे आओ 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 ट्विस्ट करे कबूतर मौसम है, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कबूतर मौसम है, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही। दीपन देख भाई, मैं यहाँ पे जज बन के आया, तुमने मुझे दीवाना बना दिया। ओए क्या बात है, थैंक यू सो मच। सीरियसली बोल रहे हो दादा? इतना सीरियस हो के दादा, तेरे गाने के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन। ओए क्या बात है। मन्ना दे साहब इतने ठेठ और इतने सीखे हुए, इतने लेजेंडरी क्लासिकल कलाकार, इतने मस्तीखोर गाने भी गाया करते थे एंड सो वेल। जो अंतरा है ना इसका, उसमें जो दो स्मॉल प्रिसाइज नोट्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डू इट करेक्टली और उसमें मजा लेके गाना और सुनने वाले को भी मतलब एंटरटेन करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी शुड ऑल गो एंड डांस। इसमें एक स्टाइल जो डांस में जो मेन स्टाइल है आप लोग याद रखना, दैट इज कॉल्ड लादी घिसने का। लादी घिसने का? हाँ, लादी घिसना स्टाइल सिखाई ना दादा। अच्छा ये है लादी। परवानो दिलवानो मस्ती के सांसों में परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लीड है। ट्विस्ट करे उठा मौसम, ट्विस्ट करे जिंदगी है ये, ट्विस्ट करे
And now, ladies and gentlemen, moving on to our next contestant presenting India ki idol beti, Kolkata, West Bengal se, Mahima Bhattacharji. पहली बात तो आपने इस पूरे गाने को अपना बनाया है आपने काफी सारी चीजें अपनी खुद की ऐड की इसमें विच इज रियली माइंड ब्लोइंग आपने इतना एफर्टलेस प्रेजेंट किया लेकिन वो है नहीं बहुत ही डिफिकल्ट चीजें आपने गाई और इतनी आसानी से ये काबिले तारीफ है ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट थैंक यू सो मच सर मैं जब आप आपसे मिलने आया जो कि जो कहानी मैंने सर को चिपका दी थी वो आपकी कहानी है साइकिल फेंक के मिलने वाली और आज मैंने सोचा ही नहीं था आप यहाँ तक आऊँगा और आइडल स्टेज ये जो प्लेटफॉर्म मुझे दिया है वो आपसे मुझे मिलवा देगा मेरा आइडल से मुझे मिलवा देगा सो ये मेरे लिए सपने जैसा है और एक गाना मैं आपके साथ गाना चाहता हूँ सर एवं एवं तो बहुत फेवरेट सॉन्ग है
चलिए हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं जिन्हें डांसिंग प्रैक्टिस की थोड़ी जरूरत है तो मुझे लगा ये मौका बिल्कुल सही है श्रीराम शोएब आ जाओ खाने कटोरे सुरमा बटोरे लग दे छिछोरे बड़े हाय पाए दिल पे तरा दी साथ जल जादी और दे गुलाटी कुछ आए पाए चाय में डूबा बस टूट हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन प्रेजेंटिंग दादी का दुलारा इंडिया का उभरता सितारा बालोत्रा राजस्थान से पीयूष पनवार गाना गाने से पहले यार हमने ये देखा था थिएटर राउंड में आपकी दादी ने बहुत ही प्यारा वॉइस नोट भेजा था मैं आज उस जगह देखकर मेरी आंखें नम हो गई है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा सबसे पहले तो मैं इंडियन आइडल को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से मैं मेरी दादी की आवाज़ सुन पाया लेकिन मैं जब थिएटर राउंड से सेलेक्ट होके जैसे ही ऑन द वे यहीं से मैं फिल्म सिटी से बाहर निकला एंड इतने में सडनली फ़ोन आया घर से कि शी इज़ एक्चुअली नो मोर आर यू सीरियस आज मेरी बॉडी में शायद एवरी सेल मैं कहूंगा कि वो उन्हीं का है क्योंकि एक एक टीचिंग एक एक मुझे बनाने वाली बेसिकली वही हैं सच में वो ट्रू डिवोटी थी म्यूजिक की सिर्फ म्यूजिक 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 हमेशा म्यूजिक करती रहती थी श्रेया मैम थैंक यू सो मच फॉर gifting me that voice note. I'm so grateful to you. I'm so grateful to you. और एक beautiful सा video उनका मिला मुझे so sorry. बहुत सुंदर सा वीडियो मेरे भाई ने उस वक्त बना लिया था जब वो मुझे फोन पे देख रही थी आइडल के मंच पे गाते हुए एंड बस वही एक लास्ट स्वीट सी मेमोरी है जो उनके साथ मेरी हुई है एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छांव में रहने दो एहसान तेरा होगा मुझ पर पीयूष आज का परफॉर्मेंस ना इतना दिल से गाओ कि मतलब दादी आपको आपके साथ ही है वो आपको बहुत खुशी देखना चाहती है आपको अच्छा करते हुए देखना चाहती है बिल्कुल मैम आगे और भी उनका नाम रोशन करो पीयूष थैंक यू सो मच थैंक यू मैम बिल्कुल दोस्त आंसू
फिर आंसू पिए तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए दिल में मगर जलते रहे गाने में तुमने अपना दिल एकदम पूरी तरह से देखे गाया यार। थैंक यू मैम। वो बात पहुंच गई जिनको पहुंचानी थी। थैंक यू पीयूष, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस माय फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद यार। थैंक यू। एवरीवन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स फॉर पीयूष। जी सर, आप जब घर गए तो मम्मी डैडी उन्होंने देखा होगा एपिसोड, उन्होंने क्या बोला? सर वो बहुत खुश थे, बट साथ ही साथ वो लोग काफी उदास भी थे। क्यों? क्योंकि सर मैं 2 साल से घर नहीं जा पाया अभी तक, क्योंकि वहाँ पे काफी रोड का इश्यूज रहता था, लैंडस्लाइड्स वगैरह काफी रहते हैं, तो उस वजह से मैं घर तो नहीं जा पाया। और जो मेरा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था वो भी वो लोग नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि सर जैसे कि आपको पता है हमारे साइड का तुतंग सबसे लास्ट टाउन माना जाता है, तो वहाँ पे इंटरनेट का भी इश्यूज रहता है और बिजली भी कई कई महीनों तक नहीं रहती। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जब से आप अपीयर हुए हो अरुणाचल के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग इतना प्यार दे रहे हैं,
लेकिन सबको बुरा लग रहा है कि हम टूटिंग को इंडिया का लास्ट विलेज कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये टूटिंग जो है इंडिया का लास्ट विलेज नहीं है, दूर है ठीक है, लेकिन इंडिया का फर्स्ट विलेज है. इंडिया की शुरुआत होती है वहां से. इंडिया में एंट्री करते टाइम फर्स्ट विलेज है. ये जो मतलब पावर नहीं है, ये रास्ते खराब हो जाते हैं, लैंडस्लाइड, सी नेचर को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली हम लोग साथ में एक मुहिम चला सकते हैं कि टूटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़े और ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा हल हो. सो आई होप फॉर द वेरी बेस्ट फॉर यू, योर फैमिली और आपके सारे मतलब चाहने वालों के लिए. लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि टूटिंग को हमेशा इंडिया की फर्स्ट विलेज करके रेफर करें. बिल्कुल For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.